दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने सनसनीखेज खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी सुनील रस्तोगी ने एक ऐसा सच कबूल किया है कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आरोपी ने दर्जनों बच्चों का बलात्कार और यौन शोषण करने का घिनौना सच स्वीकार किया है। आरोपी के अनुसार वह पिछले 12 साल से बच्चों को अपना निशाना बना रहा था। इन सब के बीच चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी 12 सालों से कानून के शिकंजे से बचा रहा, सिर्फ एक बार उसे गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस बार पुलिस ने न्यू अशोक नगर इलाके से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को धरदपोचा। पुलिस की माने तो आरोपी ने 500 से ज्यादा बच्चियों को हवस का शिकार बनाया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी खासकर स्कूली लड़कियों के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देता था। दरअसल स्कूल से घर लौट रही लड़कियों की ताक में बैठा आरोपी मौका पाकर उनसे कहता था कि उनके पापा उन्हें बुला रहे हैं, कुछ सामान देना है। मासूम लड़कियां बगैर कुछ सोचे समझे सुनील के साथ चल देती थीं और फिर किसी सुनसान जगह पर आरोपी उनके साथ दुष्कर्म करता था। फिलहाल आरोपी को दिल्ली की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक ऐसा शख्स जिसने अपने शौक के लिए मासूमों को अपना शिकार बनाया। हैरान वाली बात यह है कि आरोपी शादीशुदा है और खुद 3 बच्चियों का पिता है। देखते रहिए डीबी लाइव।